हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। आई होप सो तुम लोगों को ये याद है कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, राइट? वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। फिलहाल हम वर्क डन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखा इन केसेस ऑफ नॉर्मल, इन केस ऑफ टेंशन, राइट? आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन के बारे में छोटा सा डिस्कशन अभी हम करेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट इट विद ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 meters, मतलब मैंने पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, डायग्राम देख के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना है, 0.5। नॉट फ्रिक्शन बेसिकली, जो म्यू का वैल्यू है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है, वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.5। और हमने नीचे वाले ब्लॉक पे, 10 kg वाला नीचे वाले ब्लॉक पे 100 N लगाया। तो तुमको यहाँ पर ये पूछा गया कि ये बताओ कि 100 N ने कितना वर्क किया, वो तो बहुत ही आसान है। और ये पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ईच ऑफ द ब्लॉक्स। अभी फ्रिक्शन का वर्क डन अगर हमको निकालना है तो थोड़ा सा मेहनत हमको करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वर्क डन बाय 100 N, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। यस पीपल, सो इन दिस केस वर्क डन बाय 100 N फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउ मच, जनता? फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 meters बोला गया है ना। तो देखो फोर्स हो गया 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2, तो कितना हो गया, 200 joules। दिस इज द वर्क डन, वेरी वेरी सिंपल, राइट? अच्छा, अभी नेक्स्ट केस में अगर तुमको ये पूछा गया कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो देखो इसमें कैच क्या है। अभी तुमने नीचे वाले ब्लॉक पे 100 N से खींचा, अभी ये क्या ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेगा या दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करता है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। कम ऑन पीपल, वन मोर टाइम, अगर तुमने 100 N फोर्स लगाया और ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर जाता है तब इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर तुमने ऐसा फोर्स लगाया कितना 100 N और हमने देखा कि दोनों के बीच स्लिपिंग हो रहा है, दैट इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द 2 surfaces, ऐसे केस में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये आइडिया तुम्हारे जवाब में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है कि वर्क डन कितना होगा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इस पर्टिकुलर डिसीजन में, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या इन दोनों सरफेसेस के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच कैसा फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालो, राइट? इनफैक्ट तुमको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर सकता है नहीं कर सकता। और ये जो चीज़ है ये हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन के चैप्टर में स्टडी कर लिया है, उसको और एक बार यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी सीखा है कि ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या, ऐसे केसेस में हम करते क्या है, हम ऐसे केसेस में सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं कि अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तब सिस्टम का इंस्टॉलेशन कितना होगा, ठीक है? आई होप सो यू पीपल रिमेंबर दिस। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, लेट अस से दिस इज 10 kg, लेट अस से दिस इज 10 kg, है ना? और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, दैट इज 100 N, और ये हो गया हमारा ज़मीन। ये लेकिन स्मूथ है, ठीक है, दिस इज स्मूथ, ओके। अभी अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ एक्सीलरेशन से मूव करता हुआ एज्यूम करते हैं, से बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, है ना? मैंने मान लिया कि से बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, ऐसे केस में इंस्टॉलेशन का वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 100 N, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा, 20 kg, तो कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन, 5 m/s², है ना? दिस इज द एक्सीलरेशन। लेकिन देखो जनता, कैच क्या है, कैच ये है कि क्या ये दोनों ब्लॉक के पास 5 m/s² से ट्रैवल करने का कैपेसिटी होगा? क्योंकि मैंने तुमको पहले भी सिखाया था कि इन दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक ऐसा होगा जो कि कम्प्लीटली फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है अपने एक्सीलरेशन के लिए। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारे इस केस में जो ब्लॉक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है वो मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन तक पहुंच सकता है। अगर वो 5 m/s² या उससे कम हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल वन मोर टाइम, अगर उसका एक्सीलरेशन वो जो फ्रिक्शन उस पे लग रहा है, अगर उसको एक्सीलरेशन 5 m/s² या सॉरी मैंने पहले गलत बोला था, उससे ज़्यादा दे सकता है, देन बोथ द ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर। मतलब मैं दिखाता हूँ, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द एपीडी ऑफ दिस 10 kg ब्लॉक, और ये हो गया हमारा दूसरा 10 kg ब्लॉक, है ना? यहाँ पर कितना लग रहा है, लेट अस से यहाँ पर 100 N लग रहा है, ठीक है? अभी अगर मैं एफबीटी बनाऊँ यहाँ पर क्या लग रहा होगा, दिस इज 10 g,
यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, लेट अस से दिस इज एन वन, यहाँ पर नॉर्मल लगा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी एन वन लगेगा, है ना। और यहाँ पर 10 kg है तो यहाँ पर क्या लगा, 10g। ज़मीन से यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, लेट अस से दैट इज एन टू। ठीक है, अभी बारी क्या है, अभी बारी है फ्रिक्शन का डायरेक्शन देने का। अभी छोटे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में नीचे वाला ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, इस पर फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा, है ना। सो हमारा लिमिटिंग एक्सीलरेशन क्या होगा, लिमिटिंग मतलब जिससे हम ये डिसाइड करेंगे क्या ये सिस्टम एक साथ मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका डिसीजन हम कौन सा FBD से लेंगे, हम ऊपर वाले FBD से लेंगे, बिकॉज ऊपर वाले ब्लॉक के केस में सिर्फ फ्रिक्शन लगता है जो उसको आगे लेके जा सकता है ना। तो अभी अगर मैं ऐसे केस में तुमको पूछ दूँ, ये बताओ ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ लिमिटिंग, और मैंने फ्रिक्शन कितना लगाया, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, वो कितना हो जाएगा 10 kg। अब एफ लिमिटिंग कितना होगा जनता, एफ लिमिटिंग का वैल्यू होगा म्यू इंटू एन वन, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 kg। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था जनता, म्यू का वैल्यू दिया हुआ था 0.5, तो 0.5 और नॉर्मल एन वन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 10g लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख देंगे 10 चला गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 5 m/s। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशन आया है, बिकॉज इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने क्या डिसाइड किया कि अगर पूरे सिस्टम को एक साथ मूव करना है तो सिस्टम को एक्सेलरेशन कितना चाहिए होगा, पूरा सिस्टम कैन मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s। और हमने अभी ये देखा कि ऊपर वाला ब्लॉक जिसका एक्सेलरेशन लिमिटेड होगा वो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर सकता है 5 m/s, विच मीन्स येस बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। क्या कहा जनता मैंने, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना, एंड टुगेदर कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा, बोथ ऑफ देम विल मूव विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 m/s2। इज दैट क्लियर, बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 m/s2। और हमने क्या देखा, अगर ऊपर वाले ब्लॉक को 5 m/s2 से मूव करना है उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कैसा फ्रिक्शन होना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग। ये भी हमने देख लिया कि ऐसे केस में दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इक्वल टू वट, एफ लिमिटिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, लेट अस से दिस इज एफ लिमिटिंग, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, लेट अस से दिस इज एफ लिमिटिंग। ठीक है, अभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ब्लॉक का नाम ए देता हूँ एंड लेट अस से इस ब्लॉक का नाम बी देता हूँ, सो लेट्स राइट कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, ए पे कितना वर्क हुआ वो हम देखते हैं, अभी तो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है एफ लिमिटिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा था और क्वेश्चन में बोला कि सिस्टम कितना मूव किया है 2 m, तो क्या होगा एफ लिमिटिंग इनटू 2 m। एफ लिमिटिंग का वैल्यू हमने निकाला था ऊपर कितना था, ये 0.5 × 10g लिख देते हैं, 0.5 × 10g इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2, तो ये जी ये 5 इधर आ गया, 5 × 2 = 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 100 joules, है ना। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों होगा जनता, ये वर्क डन पॉजिटिव इसलिए होगा बिकॉज ध्यान से देखो सिस्टम का एक्सीलरेशन ए राइट की तरफ है और इस पर फोर्स भी राइट की तरफ ही लग रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक ए जो है ए पे जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए विल बी पॉजिटिव, है ना। बट जो नीचे वाला ब्लॉक है, बी वाला जो ब्लॉक है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और सिस्टम मूव कर रहा है आगे, तो बी वाले ब्लॉक पे जो वर्क डन आएगा उसका साइन नेगेटिव होगा, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, है ना, नेगेटिव पे आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा एफ लिमिटिंग इंटू 2, है ना, बिकॉज ऊपर वाले पे अगर एफ लिमिटिंग लगता है उसका रिएक्शन नीचे वाले पे लग रहा है उसका वैल्यू भी क्या होगा एफ लिमिटिंग, तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा जनता, -0.5 × यहाँ से लिख सकते हैं 10g और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2, इन दिस केस कितना हो जाएगा -100 joules, है ना, दिस इज इन दिस केस इज इक्वल टू -100 joules। पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, और एक बार पीपल हमने सबसे पहले ये माना कि दोनों सिस्टम एक साथ मूव कर रहे हैं, देर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, हमने चेक किया कितना 5 m/s2। फिर हमने 10 kg वाले ब्लॉक का एनालिसिस किया, ऊपर वाला 10 kg, और ये देखा कि ऊपर वाला जो 10 kg है वो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है अपने मूवमेंट के लिए, अपने एक्सेलरेशन के लिए, और हमने देखा कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है, वो आया 5 m/s2। तो हमको समझ क्या आया, हमको ये समझ आया कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, क्योंकि अगर सिस्टम को एक साथ मूव करना है तो चाहिए कितना 5, और ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है 5, सो येस इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, विच मीन्स
दोनों ब्लॉक्स में भी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। हमने फ्रिक्शन का वैल्यू लगाया और वर्क डन निकाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो इन दिस केस अगर मैं टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूँ, क्या बोला मैंने, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कितना आएगा, पहले केस में कितना है 100 जूल्स और सेकंड केस में कितना है -100 जूल्स, और उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 जूल्स आ जाएगा। और ये ना हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है और इसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, उसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, उसका आंसर हमेशा 0 जूल्स आएगा। इसको हमेशा याद रखना लेकिन, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम फ्रिक्शन के दूसरे कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके पिछले वाले कंसेप्ट में हमने देखा कि दोनों सरफेसेस जो स्लाइड कर रहे थे उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं था। आज जो हम डिस्कस करेंगे, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें देखो ये 10 केजी वाला ब्लॉक है, नीचे 10 केजी है, तो ऊपर वाले 10 केजी को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से धक्का दे दिया। मतलब 10 केजी वाला ब्लॉक, ए वाला ब्लॉक जो है उसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से स्लाइड करवाया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा नीचे वाला ब्लॉक है वो लेकिन रेस्ट में था। कम ऑन पीपल, जिस मोमेंट में हमने इस सिस्टम को एनालाइज करना चालू किया, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ऊपर वाला ब्लॉक के पास कितना वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। विच मींस ये वाला जो सरफेस है, दिख रहा है जनता, ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस के बीच अभी रिलेटिव स्लिपिंग तो होगा, डेफिनेटली वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। ऊपर वाला सरफेस एट दिस इंस्टेंट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, और नीचे वाला जो सरफेस है एट दिस इंस्टेंट वो रेस्ट में है ना, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा पीपल, द फ्रिक्शन दैट विल एक्ट इन दिस केस विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जमीन को स्मूथ माना गया और उन दोनों के बीच का जो म्यू का वैल्यू है वो 0.1 माना गया है, ठीक है। तुमको पूछा क्या है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक्स, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक्स व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग, राइट। टू अंडरस्टैंड पीपल, यहाँ पर 10 केजी का अभी 10 है, 10 केजी का नीचे अभी वेलोसिटी जीरो है, जब ये मूव करना चालू करेगा, मैं तुमको एबिटी बना के दिखाऊंगा, फ्रिक्शन लगेगा। और हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन का मोटिव हमेशा क्या रहता है, फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा कि दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कम ऑन पीपल, वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन कभी नहीं चाहेगा कि दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग हो, अभी तो हो रहा है। तो फ्रिक्शन अकॉर्डिंगली काम करेगा, कैसे काम करेगा मैं तुमको दिखाऊंगा, ताकि इन दोनों सरफेसेस का वेलोसिटी फाइनली सेम हो जाए। क्या कहा मैंने, ताकि ये जो दोनों सरफेस है जिनके यू नो ऊपर ये स्लिपिंग हो रहा है, जिनके अलोंग ये स्लाइडिंग हो रहा है, उन दोनों सरफेसेस का वेलोसिटी इक्वल हो जाए, वही हम निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये निकालते हैं, लेट्स सी दिस, ध्यान से देखना। अगर मैं ऊपर वाले 10 केजी का एफबीटी बनाऊं इधर, और ये जो है ये हमारा नीचे वाला 10 केजी है, इज दैट क्लियर, ओके। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, दिस इज 10 जी। एक काम करता हूँ, आई माइट गेट कन्फ्यूज्ड, ऐसे करके बनाऊंगा तो मैं एक्चुअल जो पिक्चर है वो इसको ला देता हूँ यहाँ पर, जस्ट ए मिनट पीपल, ठीक है। अभी दिख रहा है, अभी ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने क्या बुलाया ए, नीचे वाले ब्लॉक को हमने क्या बुलाया बी, नाम दे देते हैं तो डिस्कस करना आसान होगा। सो दिस इज ए वाला ब्लॉक है ना, दिस इज 10 केजी वाला ब्लॉक, ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, एंड लेट अस टॉक अबाउट ब्लॉक बी। ब्लॉक बी को यहाँ बनाते हैं, ठीक है, दिस इज 10 केजी, नहीं चलो नीचे बनाते हैं, नीचे बनाने से थोड़ा फील आएगा तुमको। सो दिस इज 10 जी है ना, यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे वाला सरफेस जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा N1, तो यहाँ पर भी एक N1 लग रहा होगा है ना, एंड यहाँ पर क्या लग रहा होगा, लेट अस से दिस इज 10 जी, और ज़मीन से इस तरफ क्या लगा होगा, ज़मीन से लेट अस से इस तरफ N2 लगा होगा, इज दैट क्लियर, ओके फाइन। नाउ मुझे ये पता है कि ये जो ब्लॉक है दिस इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एट दिस मोमेंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैंने नीचे वाले सरफेस को पूछा, सरफेस ये बताओ ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये किधर मूव कर रहा है, नीचे वाला सरफेस बोलेगा ये सरफेस राइट की तरफ जा रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा, द फ्रिक्शन इन दिस केस विल बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, ये भी होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के क्या होगा, दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा नॉर्मल जनता, एन वन वाला नॉर्मल, बिकॉज हम इस सरफेस का फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, नॉर्मल का वैल्यू कितना जनता 10g, लिख सकते हैं ना, इन दिस केस एन वन इज इक्वल टू 10g, तो कितना आ जाएगा, ये जी ये चला गया, दिस इज 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है 10 न्यूटन, इस पर भी क्या लग रहा है जनता, इस पर भी 10 न्यूटन ही लग रहा है। इज दैट क्लियर, ओके पीपल, है ना। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, सॉरी यार यहाँ पर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया था गलती से, ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये राइट की तरफ है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना। सो व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक, कैन आई से दैट दिस ब्लॉक इज डिसेलेरेटिंग, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट में है, विच मीन्स टाइम के साथ इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यस और नो। और नीचे वाला जो ब्लॉक है ध्यान देना, उसका तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, और इस पर अगर राइट की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो धीरे धीरे इस ब्लॉक का वेलोसिटी राइट की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस पीपल, तो इसका वेलोसिटी अगर इनिशियली मैं 0 मीटर पर सेकंड बोलता हूँ, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों सर्फेसिस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सर्फेसिस का, कौन सा सर्फेस जनता, ये वाला सर्फेस और ये वाला सर्फेस, दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते होते लेट्स से इस सरफेस का वेलोसिटी वी तक पहुंचेगा, और जो नीचे वाला सरफेस है इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा कि इसका भी स्पीड वी तक पहुंचेगा। अब जब दोनों का स्पीड वी तक पहुंच जाएगा, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगा, बिकॉज दोनों सरफेसेस का वेलोसिटी क्या है, सेम है, विच मीन्स देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। और फ्रिक्शन हमेशा यही चाहता है, फ्रिक्शन हमेशा यही चाहता है कि दोनों सर्फेसिस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाए, है ना। और जब इन दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, मैंने क्या माना, वी, जब दोनों सर्फेसिस का स्पीड वी हो जाएगा, उस वक्त और फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बिकॉज फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी और व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसिस। लेकिन जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, उसके बाद कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कोई घिसाई हो ही नहीं रहा, कोई टेंडेंसी भी नहीं है घिसाई होने का, तब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज फ्रिक्शन इज सक्सेसफुल, बिकॉज फ्रिक्शन का इच्छा ही ये था, मोटिव ही ये था कि दोनों सर्फेसेस के बीच रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो जाए, है ना। सो देखो, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, ये जो ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है, उसका इस तरफ डिसेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय मास, इसका हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटा के लिखता हूँ, क्लमजी हो जा रहा है, रुको, इसका एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, इनफैक्ट डिसेलरेशन क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय मास, दैट इज 10 न्यूटन बाय 10 kg, कितना आ जाएगा, दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इस वाले ब्लॉक का देखो, सिर्फ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, फोर्स हो गया 10 न्यूटन, मास हो गया 10 kg, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात को समझना, देखो ऊपर वाला ब्लॉक, कन्फ्यूज मत होना, ऊपर वाला ब्लॉक लेकिन राइट की तरफ ही मूव कर रहा है, बिकॉज इसका वेलोसिटी किस तरफ है, 10 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ है ना। पीछे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने का मतलब है ब्लॉक आगे की तरफ ट्रैवल तो करेगा, लेकिन ब्लॉक का जो स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और हमने माना क्या है, डिक्रीज होते होते वी तक पहुंचेगा। और नीचे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी ये भी राइट की तरफ मूव करेगा, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक का स्पीड टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करते 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 कहां तक पहुंचेगा, वी तक पहुंचेगा, है ना। सो लेट अस से बोथ ऑफ देम अटेन द स्पीड वी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, ये लिखते हैं, से बोथ ब्लॉक्स अटेन स्पीड वी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। अभी ऊपर वाले ब्लॉक के केस में देखें, एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ, लेट अस टॉक अबाउट ब्लॉक ए इन दिस केस। सो दिस इज ब्लॉक ए, इसका मास कितना हो गया 10 kg, है ना, इसका इधर वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ डिसेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि टी टाइम के बाद इसका जो स्पीड वी बनता है, वी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ध्यान से देखना जनता, यहाँ पर जो रिटार्डेशन है इट्स कॉन्स्टेंट, विच मीन्स आई कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस, वी शैल यूज द फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जनता, राइट। सो वी इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितना पुट कर देंगे 10, एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे 1 इंटू टी, तो कितना आ गया 10
माइनस इंटू टी, ठीक है, वेलोसिटी इन दिस केस इज 10 माइनस टी मीटर पर सेकेंड टी टाइम के बाद। अभी अगर मैं ब्लॉक बी को एनालाइज करो जनता, किसको, ब्लॉक बी को, नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है तुमको याद होना चाहिए, ये तो 10 केजी का ब्लॉक है इसका, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा था विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमको ये भी पता है कि इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो जीरो से इंक्रीज होकर वी तक पहुंचेगा इन द सेम टाइम टी। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लगाए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कैसे इक्वेशन आएगा, यू के जगह हमने जीरो पुट कर दिया, एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट की तरफ है, तो इसको हम प्लस 1 लिख देंगे इंटू टी लिख देंगे, तो वी का फाइनल वैल्यू जो आएगा वो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड दोनों इक्वेशन से हम टी का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। दोनों इक्वेशन से अगर हम टी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर वी का जगह अगर मैं टी पुट कर देता हूँ और ये कितना है 10 माइनस टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। तो ये टाइम जो निकला, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिस वक्त, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच both the blocks will attain the same speed. The upper block's velocity will reduce from 10 to a value v, and the lower block's velocity will increase from the value 0 and attain the speed v after a time 5 seconds. और v का वैल्यू कितना होगा वो अगर हमको निकालना है, we can easily find it out. v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में t दिया हुआ है, t का वैल्यू कितना है 5, तो v का वैल्यू कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स उन दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी आता है, दोनों का कॉमन वेलोसिटी कितना आएगा, द आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। यस पीपल, द आंसर विल बी 5 मीटर। चलो जनता इसका एक स्नैपशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आई थिंक सो ये पूछा गया था, यस फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक्स व्हेन द फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग, ठीक है ना, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज displacement of A and B when the velocity becomes equal. ये भी बहुत सिंपल है, displacement पूछा जाए तो हमने ये जो फॉर्मूलाज यूज़ किया था उसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगा, सो displacement of block A that is equal to ut plus half ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था 10, टाइम कितना है भाई 5, है ना, और ये रिटार्ड कर रहा था, तो A की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर, याद है ना, इसका रिटार्डेशन कितना था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, दिस इज़ 50 एंड दिस इज -25/2, सो इन दिस केस इज 100 माइनस 25, दैट इज बेसिकली 75/2 मीटर्स, है ना। तो ये ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट है, और ब्लॉक बी का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस बी, वी शैल यूज द फॉर्मूला यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये भी तो एक्सेलरेटी कर रहा है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा प्लस वन, और कितने टाइम में टी स्क्वायर कितना होगा 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 25/2 मीटर्स। ध्यान से देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेकिन अलग अलग है, इसका 75/2 है, इसका 25/2 है, एंड दिस वॉज ऑब्वियस बिकॉज दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, दोनों एक साथ मूव तो नहीं कर रहा, अगर मूव करते तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता, दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, इसका मतलब है दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए एंड बी व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड बी, ठीक है ना, इट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। सबसे पहले ये देखते हैं ए पे, देखो कम ऑन पीपल, ए का एबिलिटी, यस यहाँ पर इसको देखो, फ्रिक्शन एफ के पीछे लग रहा है, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ है जनता, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, और ये ब्लॉक राइट की तरफ कितना मूव करता है टिल 5 सेकेंड, 75/2, तो इसका वर्क डन का साइन तो नेगेटिव आएगा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कितना होगा एफ के, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 75/2, है ना, एफ के का वैल्यू कितना था 10 न्यूटन था इंटू 75/2, दिस इज 25/10, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यार 5/25 टू 375 माइनस 375 जूल्स पीपल, दिस इज द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, है ना। बट व्हाट अबाउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, ये अगर हम देखें तो वर्क डन बाय
फ्रिक्शन ऑन बी अगर हम देखें तो क्या आएगा? अभी देखो बी पे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है? बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है और उसका मूवमेंट भी राइट की तरफ है, विच मीन्स इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू तो 10 न्यूटन है, तो वर्क डन कितना होगा? प्लस 10 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हमने जस्ट नाउ डिराइव किया था, कितना 25/2 कितना हो जाएगा? 25 × 10 प्लस 5/25 125 जूल्स है ना, प्लस 125 जूल्स। समझ में आया? सो इन दिस केस अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय इन दिस केस इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कितना आएगा? दैट इज -375 जूल्स प्लस 125 जूल्स है ना, एंड द आंसर इन दिस केस इज 550 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, अगर कितना आएगा 250, -250 जूल्स इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इज वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू -250 जूल्स। और ये जो है आइडिया हमेशा याद रखना जनता कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इन ए सिस्टम विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग होने का मतलब है कि दोनों सर्फेसिस ने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन दोनों में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था जनता, दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन तो सेम लग रहा था, इसमें भी 10 लग रहा था, ब्लॉक बी में भी 10 लग रहा था, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है, एक का 75/2 है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट 25/2 है, एंड इट इज ऑब्वियस, इट इज अंडरस्टूड कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है मतलब दोनों सर्फेसिस का डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली अलग अलग होगा, तो उनका वर्क डन भी अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन आया कितना आया? -250 जूल्स। इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन में होता था। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में दोनों सर्फेसिस एक साथ मूव करते हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है, दोनों में फ्रिक्शन जो लगता है वो भी सेम होता है, तो उनका टोटल वर्क डन क्या आ रहा था? टोटल वर्क डन जीरो आ रहा था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का जीरो नहीं आएगा। इज दैट क्लियर पीपल? ओके,